धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। रत्नागिरी के मुजरिमों के दिलों में दहशत भर देने वाली आईपीएस ऑफिसर मुच्छड़ राजू उर्फ चितराम राजू जी का ट्रांसफर मालवानी हो गया है। मुच्छड़ राजू एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो सारे एनकाउंटर्स कानून के दायरे में रहकर करते हैं। रत्नागिरी में अपना पर्सनल नंबर अनाउंस करके वो पब्लिक के करीब रहते थे। मुच्छड़ राजू के मालवानी ट्रांसफर होने से शहर के लोग भी काफी खुश हैं। अब मालवानी के क्रिमिनल्स की नींद हराम होना तय। अगर कोई मुच्छड़ राजू से भिड़ता है तो वो उनका रिएक्शन झेल नहीं पाते। गुस्से स्वभाव के मुच्छड़ राजू अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। मालवानी एक बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि राजू सर का यहाँ कोई खास काम नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ड्रग माफिया को रोकने के लिए खुद सीएम सर ने उनका ट्रांसफर किया है। वो एक काबिल ऑफिसर है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुच्छड़ राजू तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। हाँ माँ। पहुँच गया क्या बेटा? घर पे हूँ माँ। सामान खोला क्या? सामान ही खोल रहा हूँ, कल जॉइनिंग है। तेरी शादी हो जाती तो अच्छा था। घर और ऑफिस का काम तो कोई भी संभाल लेता है, मगर बीवी की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। अरे छोड़ो ना माँ, सब अपने हिसाब से थोड़ी ना होता है। ये इतनी आसान बात नहीं है, तेरी शादी। माँ सुनो, दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। और हाँ, टिकट बुक करवा रहा हूँ, तुम निकलने के लिए तैयार रहना। हाँ ठीक है बेटा। राजू। सर। इसे बेडरूम में टांग दो। ओके सर। ऊपर सामान रख दिया? हाँ रख दिया सर। नो प्रॉब्लम सर। हेलो। हेलो, मुच्छड़ राजू सर बोल रहे हैं ना? हाँ बताइए। मेरा नाम वेंकटेश है, झालरपेट से बात कर रहा हूँ। आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ ना, इसलिए कॉल किया सर। जी बताइए क्या बात है सर। यहाँ झालरपेट के ब्रिज के पास कुछ लोग ड्रग्स लेकर परेशान कर रहे हैं सर। इन्हें तो पुलिस वाले भी नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने अभी टीवी पे आपके बारे में सुना, इसलिए आपको कॉल किया सर। ये नंबर किसने दिया? आपका ट्रांसफर जब रत्नागिरी में था तब से मेरे पास ये नंबर है सर। प्लीज आप जल्दी आइए ना। तुम कहाँ हो? झालरपेट ब्रिज के पास हूँ सर। ओके। Yeah.
कौन थे वो लोग? मेरी मूंछ क्यों काटी? वो चाहे जो भी हो, उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। जानते हो ना, आज मुच्छा राजू सर ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, हमें संभल कर रहना चाहिए। मैंने सुना था मुच्छा राजू सर आ रहे हैं, ये तो सिर्फ राजू आया। तू अपना मुंह बंद कर, चल यहाँ से। हाँ मुच्छड़ राजू, वेलकम वेलकम। मुच्छड़ राजू ही हो ना? यस सर। बिना मुछ के मुच्छड़ राजू नाम रखे हो तुम। पहले अपनी मुछे उगाओ, फिर मैं मानूंगा। सर वो ट्रिम करते हुए गलती से। नहीं ना, मुझे पता है, इसीलिए मैं अपनी मुछों को हाथ नहीं लगाता हूँ, सलून में जाता हूँ। हाँ बैठो बैठो। अब क्यों, मेरी बातों से घबरा गए क्या? मैं ऐसा ही हूँ, सबको डरा देता हूँ। ऊपर से ऑर्डर लाकर एक कूल सिटी में ट्रांसफर हुआ है, एंजॉय। नहीं सर, मैंने सुना है जालर इलाके में ड्रग्स का इशू चल रहा है, उस केस को टेकअप करना चाहता हूँ मैं। सर, हेलो, यहाँ सर, आई एम सीआई कृष्णा रिपोर्टिंग सर। आता हूँ सर। आप इस स्टेशन में कब से हैं? सर पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ। सुना है ड्रग पेडलिंग हो रही है, सच है क्या? 2 महीने पहले कुछ लड़के मिले थे सर, लेकिन उन्हें ड्रग्स कहाँ से मिले पता नहीं चला, तो उन्हें छोड़ दिया सर। किसी ने इन्फ्लुएंस किया था क्या? अरे ऐसी बात नहीं है सर, छोटे बच्चे थे ना, इसलिए विक्टिम समझकर उन लोगों को जाने दिया, लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ सर? आपको देखकर शॉक्ड हो गया सर, मैं आपकी मूंछों का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आपको अपनी मूंछें निकालनी नहीं चाहिए थी सर, आप मूंछों में अच्छे दिखते थे सर। वो वहाँ जालर है क्या? हाँ सर, वही जालर का इलाका है, बड़ा सरदर्द वाला इलाका है सर। सर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछूं सर, आप दोबारा मूंछ उगाएंगे ना सर? मर गया। मेरी मूंछ नहीं है तो मेरे साथ काम नहीं करोगे क्या तुम? हर कोई मेरी मूंछ के पीछे लगा हुआ है सर। ट्रिम करते वक्त बाय मिस्टेक कट गया, गले में बोर डाल के घूमूं? आपको देखकर ही मैंने भी मूंछ उगाई थी सर, अब दोबारा नहीं पूछूंगा, सॉरी। अब मुझे जालर के बारे में बताइए। चल मिला
शुरू हो गया जाल को बिखरा जरा चल हवा के जैसा ना मार दे अब तू छला तक समंदर की मछली पकड़कर जीने वाले आम लोगों के बारे में ही बताया है तुमने, लेकिन इनके ऊपर जीने वाले बड़े लोग भी तो होंगे ना? बिल्कुल है सर, लेकिन उन सब पर राज करने वाला एक शार्क भी है सर। उस शार्क का नाम है करुणा। खुद को जालर का शहजादा मानता है वो। करुणा के आने पर सब खड़े होकर उसको सलाम ठोकते हैं, रिस्पेक्ट से नहीं सर, डर से। बैठते क्यों नहीं? कुर्सियां मंगवाऊं क्या? उसका खौफ इतना है कि वो सिर्फ आंखों से लोगों को कंट्रोल करता है। क्या रे, क्या मच हो गई है? कुछ नहीं भैया, बस छोटी सी बात है। सारे लोग आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। करुणा के लिए इंसान का और मछली का दोनों का खून एक समान है। बहुत लोग पुलिस के डर से क्राइम नहीं करते हैं सर, लेकिन ये तो पुलिस के सामने ही मर्डर करके आराम से निकल जाता है सर। इसके साथ ही औरतों का शौकीन भी है। औरत को देखते इसके अंदर शैतान जाग जाता है। इलेक्शन के टाइम में पुलिस के आंखों के नीचे से पैसा सप्लाई करने में करुणा का बड़ा हाथ है, और करुणा इस काम में बहुत माहिर है। करुणा भैया उसके साथ कौन कौन काम करता है? करुणा का राइट हैंड शंकर है। करुणा के सारे इन एंड आउट जानता है। जालर के लड़कों को डराकर या उन्हें लालच देकर उनसे क्राइम करवाता है, और अगर जालर के बाहर का वो कोई काम लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसके लिए बुलवाता है। और फिशिंग हार्बर वाला अरुण
और कमेटी मेंबर छोटे गाले वाला रामलाल, ड्राइवर कोटी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। और करुणा के ऐसे होने की असली वजह उसका बाप वीरभद्र ही है सर। पहले वो छोटा सा मछुआरा था, बाद में सारे हार्बर पर उसने कब्जा जमा लिया। अपने बाप की जागीर की तरह सारा जालर उसने अपने बेटे के नाम कर दिया। सर, एक अनोखी बात यह है कि खुद जिंदा होकर भी जालर में अपनी मूर्ति लगवा दी। मेरी मूर्ति लगाने वाले अब वीरभद्र साइलेंट हो गया क्या? काम में साइलेंट हो गया सर, लेकिन कमीनेपन में नहीं। बाप बेटों को प्रूफ करने में डीएनए टेस्ट फेल हो सकता है, लेकिन इनके कैरेक्टर से ये जरूर प्रूफ होगा। इन पर कोई केस दर्ज है क्या? इन पर कोई केस दर्ज नहीं है सर। एनी ओपोनेंट्स? कोई ओपोनेंट नहीं है सर, लेकिन कोटी नाम का आदमी जो उसके पास काम करता था ना सर, रिसेंटली उसने उससे झगड़ा करके उसका काम छोड़ दिया। किस बात का झगड़ा? एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानता सर। सर मुझे साहब से मिलने दीजिए। अरे बाहर जाओ, साहब अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। सिर्फ एक मिनट की बात है सर, साहब से बात करनी जरूरी है। अंदर भेजो ना। जी सर, जाइए मैम। हाँ। छोटी आ जा। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। नमस्ते सर। मेरा नाम सुजाता है, यहीं पास की बस्ती में रहती हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत पावर है सर, क्या आप मुझे इंसाफ दिला सकते हैं? आपकी जो भी प्रॉब्लम है बाहर रिपोर्ट लिखवा दीजिए। उससे क्या होगा, रिपोर्ट लिखा है तो 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए। बैठिए, पूरी बात बताइए। मेरे पति हैं वासु, वो 3 महीने से लापता हैं सर। मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है पर अभी तक कुछ पता नहीं लगा। सर मुझे इस स्टेशन में 2 साल हो गए हैं सर, ऐसे मिसिंग केस बहुत आते रहते हैं। वो लोग समुद्र का शिकार हो जाते हैं सर, फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं। इस बीच ये लोग घबरा कर यहाँ पर कंप्लेन कर देते हैं। मेरे पति शिकार नहीं करते सर, करुणा के पास काम करते हैं। अचानक यूं ही गायब हो गए। मैं आपको इंक्वायरी करके बताता हूँ, अभी आप जाइए। मेरी परेशानी ये नहीं है सर, अगर वो सच में मर गया है तो बिना लाश मिले केस कैसे बंद कर दे? केस बंद नहीं हुआ तो म्युनिसिपैलिटी वाले डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते, अगर वो नहीं है तो इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देंगे। नई सरकार विधवाओं को पेंशन भी नहीं देती, हम कैसे जिएंगे सर? क्या बात है, तुम्हें देख के लगता है पति के जान के बजाय डेथ सर्टिफिकेट और कैश में तुम्हारी ज्यादा दिलचस्पी है। ठीक है, हम इंक्वायरी करके फोन करेंगे, तुम अब जाओ यहाँ से। कृष्णा, बिना पति के मेरे जैसी औरत खुश कैसे रहेगी सर? लेकिन ये सारी दुनिया औरतों को खुश रखना चाहती है। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इस बीच कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, ठीक है? जाइए। सुनिए सुजाता, इस बार आते वक्त बच्ची को स्टेशन मत लाना। क्या ये अच्छी जगह नहीं है सर? फिर भी कोई बात नहीं सर, अभी से ही सब जान जाएगी तो कल के लिए हिम्मत रहेगी, मेरी तरह परेशान नहीं होगी। अबे रुक, अबे तूने मेरी मूंछ निकाली, छोड़ूंगा नहीं मैं। मुंह तोड़ दूंगा। रुको रुको रुको, ये क्या पुलिस स्टेशन में मारामारी कर रहे हो? साहब नमस्ते साहब, मेरा नाम मोती है साहब, ये मेरी दुकान पे आके मुझे ही मार रहा है साहब, लॉकअप में डालिए इस आधे मुच्छड़ को। तू इसको मार क्यों रहा है? देखो सर, मूंछ ट्रिम करने बोला तो मूंछ काट कर हाथ में दे दिया। देखो भंगार की मूंछ, तेरे को अकेले को मूंछ करते पुलिस स्टेशन में लड़ रहे हो? सर मुझे मर्द की इज्जत होती है, इसने तो मेरी इज्जत उतार दी,
दोनों शांत हो जाओ वरना दोनों को अंदर डाल दूंगा। बाहर कुछ बहस चल रही है सर, मैं एक बार जाकर देख कर आता हूं। तुम लोग अबे तेरे बाल काट रहा क्या? आया मेरे पे हाथ उठा ना तो देख लेना, उंगली डाल दो। क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ पर? सर कुछ नहीं सर, ये अपनी मूछ ट्रिम करवाने उसके पास गया तो इसने उसकी आधी मूछ उड़ा दी सर। पुलिस स्टेशन में दोनों झगड़ा कर रहे हैं। कंप्लेन लिखो और भेज दो इन दोनों को। कुछ नहीं सर, छोटा मोटा केस है, सलून वाले ने मूछ काट दी तो कंप्लेन लिखवाने आ गया। सर वो मिसिंग केस की फाइल लेकर आऊं क्या? उसे अंदर बुलाओ। इतनी सी बात के लिए आप क्यों सर, वो हवलदार देख लेगा ना। अभी लाता हूं सर। ए, तुम में से सलून वाला कौन है? नमस्ते साहब। चल तेरे को अंदर बुलाया है, इसकी डिटेल बाद में लिख लेना। जाना, जाना, ए, अबे जाना। नाटक मत कर, चुपचाप अंदर चल। साहब मुझे क्यों बुला रहे साहब? साहब मेरी क्या गलती है? चमच मच लगा कर रखा, चल अंदर। बकवास मत कर, चल अंदर। चल सर यही है वो। वो स्ट्रिम करने की वजह पूरी काट कर चालाकी दिखा रहा, दू क्या एक? जानबूझ के नहीं किया साहब, वो तो गलती से हो गया, मैं क्या करता। कृष्णा सर अभी तुम कोई मिसिंग केस की बात कर रहे थे। हाँ सर। फाइल लेकर आओ। ओके सर। कल रात कहाँ था रहे तुम? कल रात क्या साहब, मैं तो परसों भी घर पे था। कल रात जालर के ब्रिज के पास क्या कर रहा था तू? साहब हम जालर ब्रिज के पास नहीं जाते साहब, वो करुणा भाई का अड्डा है, हम वहाँ क्यों जाएंगे बताओ ना। वहाँ वो सब लोग बैठ के दारू पीते हैं साहब। आप उसे देखो ना साहब, मूंछ कट गई तो इतना बड़ा तमाशा कर रहा है। आप उसे अंदर डालिए ना साहब। मुझे क्यों मार रहे हो साहब? कोई रेप या मर्डर थोड़ी किया, सिर्फ उसके मूंछ ही तो काटी है साहब। आप मुझे क्यों मार रहे हो? सिर्फ मूंछ काटी तूने? सिर्फ मूंछ? सिर्फ मूंछ काटी तूने? इसकी वैल्यू जानता है तू? मूंछ का मतलब होता है मर्दानगी। साहब सिर्फ मूंछ काटी, तुझे पता भी है उसकी कितनी देखभाल करनी पड़ती है, जानता है तू? जानता है साहब? साहब मूंछों में इतनी बात होती है, पता नहीं था साहब। अगली बार दूसरों की तो क्या, खुद की मूछ भी नहीं काटूंगा। मत मारिए साहब, साहब साहब चक्कर आ रहे हैं साहब, मुझे छोड़ दीजिए। कान लाल कर दिए। कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था, लगता है ये वो इंसान नहीं है। सर ये रही उस केस की फाइल। सिर्फ मर्डर और रेप करना ही गुनाह नहीं है, दूसरों के फीलिंग्स हर्ट करना भी गुनाह है, समझा? चल जा। ओके सर। ए, रुक जा। सर ये भी जालर में रहता है, वो करुणा के पास ड्राइवर का काम करने वाला कोटी और ये दोनों दोस्त हैं। पता उस कोटी से कब मिला था? वो अच्छा छोड़, उस कोटी को फोन करके बोल कि साहब से आकर यहाँ पर मिले। साहब उसका फोन तो कल से ही नहीं लग रहा है, शायद कहीं बाहर गया होगा। एक बात बता, उस करुणा और कोटी के बीच झगड़ा हुआ है ना, किस बात पे? उच्छर राजू सर तेरे से क्या पूछ रहे, जवाब दे। उच्छर राजू सर कहाँ है? अबे इधर उधर क्या देख रहा है? यही है उच्छर राजू सर, अभी मूछे नहीं है। सॉरी सर। ये मुच्छर राजू है, इनकी मूछें तो दिख नहीं रही। अबे ऐसे घूर क्या रहा है, चल जवाब देना। कोटी अच्छा इंसान है साहब, उसके बाप को जेल होने के बाद से वो करुणा के पास ड्राइवर का काम कर रहा है, कभी कभी कैरम भी खेलता है, हमेशा मीनाक्षी के ख्यालों में डूबा रहता है। ए कोटी, ₹1000 की शर्त है, थोड़ा ढंग से खेलना यार।
अरे ये शॉट कैसे खेलेगा? इसे वहां रख दे। कमाल कर दिया मामू। ना जीत के दिखाऊंगा। बोला था ना भाई, देखा कोटी भाई ने क्या कमाल का खेला है। एक गोटी से दूसरी गोटी उड़ाने में तोप है कोटी अपना। मोती, पैसे अगले हफ्ते दूंगा मैं। ए बाबू टकले, हारने के बाद उधारी यहाँ नहीं चलती है। चुपचाप पैसा निकाल, टेबल पे रख और निकल। अबे, मुझे खुद देता नहीं देता पैसे, जो खाना खा ले जा। भाई पैसा देने की जरूरत नहीं है तो निकल, जाने देना, झगड़ा का है का? यार करुणा का ड्राइवर है तो ज्यादा चल रहा है। हाँ तेरी तो छोड़ इसे, छोड़ दे। है अब देखता हूँ तू पैसा कैसे नहीं देगा। अपनी शान पट्टी जेब में डाल और पैसा दे। साला टकला हमको हुल दे रहा था। भाई शाम को पार्टी करते हैं, अड्डे पे आ जाना, वही मजा करेंगे। ए, मीनाक्षी से मिलने जा रहा हूँ, पार्टी का बाद में देख लेंगे। ए, तू क्या मीनाक्षी की नौकरी कर रहा है? जो तू उसके बुलाते ही चला जाता है। वैसे बात कुछ आगे बढ़ी के नहीं? लगता तो है यार, तभी तो मिलने के लिए हर बार आती है, कुछ ना कुछ होगा ही, देखते हैं। चले गेम खेलते हैं। भाई उस मीनाक्षी को पटाना ना कैरम जितना आसान नहीं है। मीनाक्षी मीनाक्षी जो तुझे देखा ओ, पल भर में दिल ये दे दिया ओ, अखियों में बस गई सपनों की तरह, खिंचता ही जाऊं खुद पे जोर ना, लहरों की तरह मैं अब हूँ झूमता, उड़ता रहूँ मैं, घर का ना है पता। कोटी मुझे बाइक चलाना सिखाओगे क्या? जब जब आईना दिखे मुझको तू ही तू दिखे। स्कूटी बंद पड़ गई है, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। कागजों की नाव में राहें क्यों हैं चुने तेरी मंजिले, जब तू ना हो मेरे आस पास, तेरा आता रहे है ख्याल। ओ सुंदरा जाने जाओ सैयारे सैयारे ओ। ए, तेरा बाप तुझे यहाँ ढूंढने आया था। यहाँ भी पहुँच गया? उसे कोई काम धंधा नहीं है ना, दारू के लिए आया होगा, मैं देख लूंगा। ए, सुन रे कोटी, मैंने आज दाल भाकरी बनाई है, रात को वही खाएंगे, सुनाई दिया ना कोटी? मेरे कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रही हो तुम? एक दूसरे से कभी बात नहीं करोगी क्या? हम बहनों के पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप तुझे ढूंढ रहा होगा, जल्दी जा। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। भूलेगा साला
भगवान दास, नई जिंदगी मिली है तुम्हें, कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तुम क्या काम करते हो? मैं हार्बर में अच्छी नौकरी करता हूँ, महीने की पगार मिलती है। टैक्स भरते हो क्या? साल भर में महीने भर की पगार जाती है। जाएगी ही ना, हम जैसे को भी तो जीना है। हाँ? हमारा राशन फ्री है, बीमार हुआ तो अस्पताल फ्री है, हर महीने पेंशन भी मिलती है। ये सरकार अगर दारू भी फ्री में देती तो अच्छा होता। जाने दो, उसके लिए मेरा बेटा है ना। तुम जैसे लोग मेहनत करते हैं तो फिर हम लोग इंजॉय ही करेंगे ना। लीजिए, लीजिए जहर। अमृत जैसी दारू की इज्जत नहीं करता तो भगवान जैसे इस भगवान की तो इज्जत कर। सिर्फ नाम होने से कोई भगवान नहीं बनता। पीकर चुपचाप सो जाइए और रात को घूमना बंद कीजिए। ग्रीटिंग कार्ड को बस यूं ही घर पे सजा के रखोगी या उसे देने का इरादा भी है? देना तो चाहती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे ही हिम्मत का इंतजार करते रहो, वो किसी और के चक्कर में पड़ जाएगा। क्यों रे, जेल से डर लगने लगा है क्या? मैं तो परसों ही आया हूँ भैया। मुझे डर लग रहा है भैया, आज तक मैं कभी जेल नहीं गया। तेरा घर कहाँ है? रमन भाई की दुकान की बाजू वाली वाड़ी में। और सोता कहाँ है तू? वाड़ी में ही सोता हूँ भैया। भागने जाना हो तो? समुंदर में जाता हूँ भैया। क्यों रे, सोने के लिए तेरे पास जगह नहीं है, बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, खाने के लिए खाना नहीं है, वहीं जेल गया तो सब मिलता है। ऐसा है, घर से तो कहीं ज्यादा जेल में सुविधाएं होती हैं, महल जैसा महसूस करेगा। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, अपने माल से भरा एक शिपारा है, उस माल को समंदर के बीच उतार कर पुलिस की नजरों से बचा कर अपने गोडाउन में लेकर आना है। कहीं तुम लोग पुलिस से डरते तो नहीं हो ना? करुणा ने ड्रग्स मंगवाए हैं? लड़कों ने बताया था साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। कृष्णा सर, वो शिप कौन से पोर्ट पर आया और कहां से आया, मुझे सारी डिटेल चाहिए। ओके सर। आप रुकिए, मैं बात करके आता हूं। ए, रुकना। करुणा, मुझे पहचानते हो ना? मैं हूं मीनाक्षी, रोज तुम्हारे लिए हार्बर आती थी लेकिन तुम मुझे नहीं देखते थे। उस दिन जब तुम किसी को मार रहे थे तब मैं वहीं पर ही थी और तुम्हें देख रही थी। वो कम्युनिटी हॉल के पास सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे तो मैं बस देखती रह गई तुम्हें। तुम बुलेट चलाते वक्त बहुत अच्छे लगते हो। एक बार मेरा बुलेट चलाने का मन किया तो कोटी से पूछकर तुम्हारी बुलेट चलाई मैंने। तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगेगा ना? भैया ये पहचान वाली है ना, इसलिए। करुणा, तुम्हारे लिए ग्रीटिंग कार्ड लाई हूँ। आई लव यू।
ए, रुक, 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 रुक। क्या बात है साहब? मीनाक्षी ने फ्लावर करुणा को दिया था या कोटी को? बोला तो ना साहब, करुणा को ही दिया था उसने। करुणा को ही दिया था सर? वो तो गुंडा है ना। हमारे लिए तो वो रावड़ी ही है सर, लेकिन मीनाक्षी को तो वो हीरो लगा होगा। ज्यादा सोचकर अपना दिमाग मत खराब कर लेना। मीनाक्षी आएगी तो आराम से बात करना, तुम भी थोड़ी समझदार बनो। मीनाक्षी, मीनाक्षी सुन, कोटी जो बोल रहा है सच है क्या? चुगली कर रहा है क्या? जो पूछा गया उसका सीधा जवाब नहीं दे सकती? ए, तेरी परेशानी क्या है? तेरी तो, वो करुणा तुझे पसंद कैसे आ गया? कितना घटिया इंसान है जानती नहीं? तेरे जीजा को गायब करने वाला वही है जानती है ना? ए, तू इधर उधर की बातें बीच में मत घसी। करुणा मुझे पसंद करता है इसलिए तू जल रही है ना? मौका मिलते ही शुरू हो जाती है। और तेरा पति तो तुझे छोड़कर चला गया है, इसीलिए ये सब कर रही है ना तू? हाँ हाँ, इसीलिए। तेरा भला होते देख के मैं ही तो जलूंगी। वो इंसान प्यार के लायक नहीं है मीनू, मेरी सुन तो। कोटी, अगली बार तूने मेरी चुगली करी ना तो मैं जाके करुणा को बता दूंगी। तुझे पता है ना क्या करेगा वो? करुणा कैसा है तू जानती है ना? इस इलाके का हीरो है वो। तो तू खुद को हीरोइन समझती है? ए, तू कौन होता है मेरे घर आके प्रवचन देने वाला? चल निकल यहाँ से। ए कोटी, तू जैसी भी है बिल्कुल वैसी रहे, तूड़े चाहे मुझको छोड़ दे, ख्वाहिशें मेरी तू सदा खुश रहे, मुझ में अब कहाँ रह गया, तेरी ही याद में जी रहा, बदले मेरे रास्ते हाँ, चलता हूँ चलता हूँ। कोटी भाई, मीनाक्षी आपसे मिलने आई है। मीनाक्षी को नाम से बुलाता है साले? मैडम बोला कर। भैया ये कीज मीनाक्षी के बगल में ही रहता ना। हाँ। जा जाकर उसे लेकर आ। इतनी रात को ठीक है। यही रुकना तू, वापस छोड़ना भैया। हुआ माँ जी, यहाँ आकर इडली खा रही हो? तुम्हारे यहाँ खट्टी इडली बनती है क्या? ये क्या बात कर रहे हो? हमारे यहाँ की इडली मुँह में रखते ही घुल जाती है। करुणा से काम था इसलिए आई। करुणा से काम था, उसके साथ मिलकर बिजनेस शुरू करोगी क्या? खाम खाम मुझसे उलझ रहा है, इडली खा जान क्यों खा रहा है मेरी? क्या बात हो गई बापू, हमें भी तो बताओ कौन से जोक पे हंस रहे हो? अरे कुछ नहीं, रोज में गिरता था तुम लेकर आते थे ना, रात को तुम गिरे तो मैं लेकर आ गया। तुम्हारी तरह पीकर रोड पे नहीं पड़े रहते, घर पे आके गिरते हैं। चाहे जो भी हो जाए, दारू किसी को भी गिरा सकती है, रात को तुमको पता चला ना। मौसी दो चाय देना। ए, चाय से दारू नहीं उतरे गिरे, दो पैग और मार ले। बापू हाँ, सुबह सुबह मिठाई लाए हो, किसका जन्मदिन है बापू? अरे जन्मदिन नहीं है, करुणा का एमपी के घर से रिश्ता आया है। सारे लड़के लोग जालार में ये मिठाइयां बांट रहे हैं, तुम दोनों भी जाकर चखना और दारू लेकर आ जाओ, शाम का बंदोबस्त हो जाएगा, आराम से एंजॉय करेंगे। ओ भाई, खाओ खाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ। दीदी दीदी मुंह मीठा कीजिए। क्या रे, तेरा बर्थडे है? अरे नहीं, वो करुणा भाई का एंगेजमेंट फिक्स हुआ है ना, उसी की मिठाई है। दीदी
लीजिए ना दीदी। भैया आपसे जरा बात करना, इधर आइए ना। हाँ बोल। मीनाक्षी का फोन आ रहा है भैया। शाम को ब्रिज के पास आकर मिलूंगा, बोल दे। क्या रे, निकल। क्या हुआ तुझे, इतने कॉल क्यों कर रही है? क्या चल रहा है जान सकती हूँ क्या? क्या चल रहा है मतलब? मंगनी हुई है मेरी। तो फिर मेरा क्या होगा? मतलब करुणा, ये टाइम मजाक का नहीं है, बताओ क्या है ये? तुझसे कैसा मजाक है, परसों ही घर पे एक बड़ा रिश्ता आया है, बाबा ने भी हाँ बोल दिया है, 3 महीने बाद शादी है। और अब मेरा क्या होगा, यानी तुम मुझे छोड़ दोगे? करुणा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये प्यार क्या होता है रे? तू मेरे साथ सोई यही बड़ी बात है, चाहिए तो तुझे पैसे दे दूंगा, एक घर भी दे दूंगा, तुझे साथ रख लूंगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुझे? ए, बारिश शुरू हो गई, चल 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 चलते। ए, चल। तुझे लगा तेरे पैसे के लिए तेरे पास आई मैं? ऐसी वैसी समझा क्या मुझे? आवाज ऊंची मत करना। आवाज ऊंची करी तो क्या रे, माना मेरे पास तेरे जितने पैसे नहीं है, लेकिन तुझे हीरो समझती थी। मैं हीरो ही हूँ, लेकिन तेरी औकात नहीं हीरोइन की, चल निकल। ए, मेरी जैसी लड़की को धोखा देगा, बर्बाद हो जाएगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे। पवित्र बन रही है अब तू। तेरे कितने बाप रहे होंगे तुझे पता भी है कुछ? मुझे सिखाएगी प्यार साली। ए! अपनी माँ से जाके पूछ, तुझे कितनों के साथ सोकर पैदा की वो तू? मेरी माँ के बारे में बोलती है? सॉरी नीच, मुंह बंद रख अपना। ए! ए! रुक जरा, कहाँ भाग रहा है तू? ए! ये प्यार क्या होता है? तू मेरे साथ सोई यही बड़ी बात है। मीनू, मीनू, तीन दिन से गुमसुम बैठी है, क्या हुआ बताना। इसे देखो तो जरा, कैसे सर झुका के जा रही है। अरे यार, तेरे को पता है क्या, ये मीनाक्षी को भाई ने छोड़ दिया। मैं तो पहले ही जानता था कि वो छोड़ेगा, यही पागलों की तरह पीछे पड़ी थी। ए मीनाक्षी, हम औरतों की यही परेशानी है, जो हमें चाहते हैं उन्हें छोड़कर हम उन्हीं पे भरोसा करते हैं जो हमें धोखा देते हैं। मीनू की पसंद की मछली लाया हूँ, बना के खिला देना, बाद में आता हूँ। ठीक है। ए, चॉकलेट खाना छोड़ो, चलो पढ़ाई करो। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, सामान जमाने में इतना टाइम लगता है क्या? मीनाक्षी, मीनाक्षी, हाँ? क्या सोच रही हो, काम करना है तो करो वरना निकल जाओ। सॉरी सर। हेलो कोटी। हाँ मैडम बोलिए। तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, तुम मिल सकते हो क्या? अकेले में? कोई परेशानी है क्या?
मैं वो मिलकर बताऊंगी, तुम अभी कहाँ हो बोलो। शाम को 8 बजे समंदर किनारे मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊंगी। भाई तूने सब रेडी कर दिया? अरे नहीं रे, हम कल बैठेंगे ना, मीनू आ रही है। ओहो फिर से मिल गए तुम दोनों क्या? साला फटी में दोस्त चाहिए रहते तेरे को हमेशा। हाँ गर्लफ्रेंड मिलते ही फ्रेंच को तो तू चिल्डर समझ के भूल गया। वो भी फ्रेंड ही है, तकलीफ में है, जाने देना, तो समझ रहा है ना। अब बुलाना तू मुझे बेटा। तुम दोनों पार्टी कर रहे हो क्या? ठीक है कोटी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखा ना तूने कैसे टीवी सीरियल वालों से भी अच्छी एक्टिंग कर रही है, तुम दोनों पार्टी कर रहे हो पूछ रही है। मैडम आप बैठो यहीं पे, मैं चला अपनी बोतल लेकर, तुम अपना देख लो। कल बैठेंगे ना। अबे जा, अब हमसे बात करने का टाइम कहाँ तेरे पास? तो पागल है ये। ये लो, ऐसे कितने दिन दुखी रहोगी, पी लो। रहने दो, तुम पियो। लड़के लव में फेल होते हैं तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं या फिर दारू पीते हैं। तुम्हारी तो दाढ़ी बढ़ने से रही, तो दारू ही पी लो। नहीं, दिल का जो दर्द है ना इजीली बाहर आ जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है पीना है तो पियो, नहीं तो छोड़ दो। क्या है ये, कितनी कड़वी है। दारू अंदर जाते ही बाहर आने वाला पहला डायलॉग यही है। बस बस। ये दूसरा डायलॉग है, पी लो। ठीक है धीरे धीरे पियो, ट्राई करो। अब तुम्हें मेनू बुला सकता हूँ या फिर मैडम ही बुलाना पड़ेगा? एक और पेग मिलेगा। असल में मैं वही बात करने आई थी तुमसे, तुमने कितना समझाया लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हें कितना कुछ बोला मैंने कोटी, सॉरी। अब ये सॉरी वगैरह छोड़ दो, मीनू कह के बुलाऊंगा, ठीक है ना? हीरो समझकर मैं उससे लव कर बैठी, मैं उसको राजा और खुद को रानी समझती थी। छी छी ओवर एक्टिंग हो गया। तुम रानी बन जाओ और वो राजा बन जाए, ऐसा राजा महाराजाओं का जमाना नहीं रहा। ये जालार पेट है, पैसे वाले और गरीब, बस यही है। अब मैं भी देखती हूँ वो शादी कैसे करता है, उसके घर जाकर उसकी मंगेतर को सब बता दूंगी मैं। ऐसे कैसे शादी कर लेगा? जाने देना, तुमको क्या लगता है उन लोगों को कुछ भी नहीं पता? तू एंजॉय करना। एक कोटी, अगर तुमने कभी किसी से प्यार किया ना तो किसी अच्छी इंसान से करना, मेरी तरह धोखा मत खाना। मुझे प्यार में धोखा नहीं मिला, लेकिन जिसे चाहा वो भी नहीं मिली। अच्छा कौन है वो, बताओ ना। मैं जब हार्बर में काम करता था ना तो रोज एक लड़की मुझसे मिलने आती थी, वो लड़की मेरे लिए आती थी ऐसा लगता था। बचपन से ही वो लड़की मुझे बेहद पसंद थी, बुलेट सिखाते वक्त भी समझ बैठा कि वो मेरे साथ घूमना चाहती है, लेकिन वो बुलेट से प्यार करती थी ये नहीं जानता था, इसीलिए मैंने धोखा नहीं खाया, बस जो सोचा वो नहीं हुआ। अब मैं सेकंड हैंड हो गई हूँ तो मुझ पे चांस मार रहे हो क्या? अगर वो बात होती तो रखेल बनोगी क्या पूछता, मुझसे शादी करोगी क्या ये नहीं पूछता मैं। करोगी शादी बोलो। मैं उसके साथ जब सोई थी तो तुम बाहर पहरा दे रहे थे ना, वापस घर भी तुम ले गए थे, अब शादी के लिए बोल रहे हो। उसके प्यार को सच मान रही थी, वो झूठ था ये पता चल गया, इसलिए क्या तुम सेकंड हैंड हो गई? अगर सच में तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं वहां की नौकरी भी छोड़ दूंगा, हंसी खुशी एक बोट लीज पे ले लेंगे, फिर खुद का धंधा शुरू कर देंगे, ओनर बन जाएंगे। कोटी तुम ये सब क्या कह रहे हो, अपनी शादी के बाद कभी हमारे बीच झगड़ा हो गया तो तुम गुस्से में बिस्तर पे वो ज्यादा अच्छा था या मैं अच्छा हूँ पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगी, ये भी तुम्हें बताओगे तो मैं सोचूंगी। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता, वहां मैं ही अच्छा लगूंगा। पहले पेग लगाओ, आराम से एंजॉय करेंगे। कोटी से तूने बात की क्या मीनाक्षी? तेरे बारे में ही सोचता है।
एक बार तू भी उसके बारे में सोच। चाहिए तो तुझे पैसे दे दूंगा, एक घर भी दे दूंगा, तुझे साथ रख लूंगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुझे। उसके प्यार को सच मान रही थी, वो झूठ था ये पता चल गया, इसलिए क्या तुम सेकंड हैंड हो गई? ये प्यार क्या होता है रे? तू मेरे साथ सोई यही बड़ी बात है। मुझसे शादी करोगी क्या ये नहीं पूछता मैं, करोगी शादी? कोटी, करुणा के यहाँ नौकरी छोड़ दूंगा बोले थे ना? हाँ। छोड़ दो नौकरी। तेरे संग चलूं मेरे हाँ तुम हो, मुझे क्या हुआ देखा जब से तूने ना में हाँ है क्या, हाँ ये सच है क्या, मैं ना मेरा क्या, तेरी राहों में तेरी बाहों में है जगह मेरी, तू बता मेरी हर आस का सिला मुझे तू मिला, तेरे साए में दिल खुशनुमा, मेरा कल था जो उसमें नहीं किनारा मिला। क्यों रे, नौकरी छोड़कर आखिर क्या करेगा तू? बिजनेस करना चाहता हूँ भाई। कौन सा बिजनेस? पाव भाजी का ठेला लगाएगा क्या? आप बता, जालर में ही एक ठेला लगवा दूं क्या? मैं वो फिशिंग बिजनेस करना चाहता हूँ भैया। वो तो मैं कर रहा हूँ ना। चाहिए तो मेरी बोट लेकर फिशिंग कर ले। खुद की बोट लेना चाहता हूं भैया। जा रहा है करुणा। अब उससे डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? अब तो तुमने उसकी नौकरी भी छोड़ दी है ना। लेकिन उससे पंगा लेने की क्या जरूरत है? चाहे जो भी हो छोड़ दिया तो आप कोठी के साथ घूम रही है। तुझे बड़ी आग लग रही है? जब तेरे बेटे का तलाक हुआ तो उसने दूसरी शादी नहीं की क्या? लड़कियों को भी उसी तरह जीने का हक है। हम डूबेंगे क्या या ये दुनिया हमें डूबेगी क्या, बता सोचूं मैं ये क्यों संग तेरे जो हूँ, बदलेगी जिंदगी मेरी क्या। इतनी इजी सेटिंग होती तो साला मैं भी चांस मारता। ए, तुम लोग कभी सुधरने वाले नहीं क्या? कल को कोटी ने भी छोड़ दिया तो तू अपने पास रखेगा क्या? शादी करेगा या खेल बनाएगा? अभी बोट ओनर का फोन आया था, जाकर उसे एडवांस देते हैं। चलो जल्दी बैठो।
क्या हो गया भैया? क्या हुआ भैया? कुर्सी लेकर आ, देख क्या रहा है। आखिर हुआ क्या है भैया? तू जानता नहीं क्या हुआ है साला कुत्ता? मैडम मैडम करने वाला नौकर आज उसके साथ घूमने लगा है। उसके साथ रोमांस करना ना तुझे? हाँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं भैया। तो तू मेरे खिलाफ जाएगा क्या? लेकिन आपने तो उसे छोड़ दिया ना भाई। अगर मैं उससे शादी करता तो मेरे बाहर जाने के बाद उसके साथ सोता क्या? कैसी बात कर रहे हैं भाई, मैं बचपन से मीनू से प्यार करता हूँ भाई। हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं भाई। वैसे आपने तो उसे छोड़ दिया है ना, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? तेरी तो मैं उसे रखेल बनाऊं या मार दूं, वो मेरी है। तू होता कौन है बे साले? रखेल बना के खेलने के लिए वो कोई गुड़िया नहीं है, एक लड़की है वो। मीनाक्षी मुझसे प्यार करती है। आवाज ऊंची करता है। भाई भाई नहीं नहीं भाई, भाई छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, भाई मेरी गलती क्या है भाई? वो तुझसे प्यार करने लगी तो तू मेरी बराबरी करेगा? उसे गाड़ी पे बिठाकर चुम्मा चाटी करेगा? खुद का बिजनेस शुरू करेगा? अपने मालिक की बराबरी करेगा? भाई हाँ बोल ना, छोड़ दो ना भाई। ये मर जाएगा, इसको छोड़ दो भैया, छोड़ दो इसको। याद रख ले करुणा, अपने नीचे काम करने वालों को कभी भी सबके सामने मत मारना। उसे माफ करने का नाटक करना। ए, उसे बैठने के लिए कुछ दो। ए, बैठा उसको। कोटे ऊपर आकर बैठ। जो हुआ सो हुआ, तू बचपन से मेरे साथ काम कर रहा है, माफ कर दूंगा। ए, तुम सब निकलो यहां से। ए, निकलो, निकलो सब। चलो चलो। तुझे मैं एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, मीनाक्षी और तू शहर छोड़कर चले जाओ। भाई 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 मेरी बात तो सुनिए ना भाई, प्लीज भाई, एक हफ्ते का टाइम बहुत कम है भाई। अब बचपन से पूरी जिंदगी यही गुजरी है भाई, अब मैं कहाँ जाऊंगा भाई, प्लीज थोड़ा सोचिए ना। यहाँ रहे तो तुम दोनों को मार दूंगा, तेरे पास एक हफ्ते का टाइम है, इंतजाम कर ले। एक हफ्ता मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, थोड़ा टाइम दीजिए ना भाई। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं जब भी बोलूं तू मीनाक्षी को मेरे पास लेकर आया कर। चल आज रात उसे बोट पर लेकर आ। आप क्या करना चाहते हो? हफ्ते भर में जाने को कह रहा है, कहाँ जाएंगे? सारे पैसे तो बोट वाले को दे दिए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? या तो हमें शहर से जाना होगा या तुम्हें उसके पास। तो ले चलो। किसने मना किया है? वो जब भी बुलाए तब ले चलो। ना वो मेरे लिए नया है और ना मैं उसके लिए नई हूँ, ये हालात तुम्हारे लिए नए हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा दिमाग ठीक है तो तुम सोचो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन जालर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। और हमें शहर छोड़कर जाने को कहने वाला वो कौन होता है? उसे हमें साथ देखना पसंद नहीं तो वो शहर छोड़कर जाए, वो कोई भगवान है क्या? या वो यहाँ का राजा है? ये
ये ड्रेस अच्छी लग रही है ना? अच्छा क्या ऑप्शन दिया इसने? वो दोनों अगर शहर छोड़कर चले गए तो उसका ईगो सेटिस्फाई होगा, नहीं तो वो जब जब चाहे तब तब मीनाक्षी का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल सही बात है सर, वो लोग भला शहर छोड़कर क्यों जाएंगे, वो लोग नहीं जाएंगे। तब ऑटोमेटिकली कोटी को, मीनाक्षी को करुणा के पास ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही होगा सर, हम चाहे हमारे देश में कितनी भी स्वतंत्रता क्यों ना मना ले, लेकिन गरीब को कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी सर। क्या रे, क्या सोच रहे तू? यही ना कि वो मीनाक्षी को यहाँ लेकर आएगा? अपनी मौत के डर से वो दोनों आज ही यहाँ से भाग जाएंगे। इलेक्शन सिर पर है इसलिए छोड़ दिया मैंने, वरना उन्हें तो काट कर फेंक देता समंदर में। भैया वो कोटी मीनाक्षी को लेकर आ रहा है। भैया लोग पैसे को असली पावर कहते हैं, लेकिन असली पावर तो डर है। चल तो निकल, मैं काम खत्म करके आता हूं। ठीक है भैया। तो लौट के बुद्धू घर को आए। आजा, तू बाहर बैठ जाके। मैं जानता था तू आएगी। यहां क्या कर रहा है? बाहर जाके बैठना। ए कोटी, ये मेरी होने वाली बीवी है, मैं यही बैठूंगा। काम जल्दी हो जाएगा तो घर चले जाएंगे। शर्म आ रही है कि फट रही है तेरी? तेरी तो के हथियार दिखाने पर करुणा डर गया। ऐसे डरने वाला नॉमिनेशन क्यों डालेगा भला? कृष्णा उठो वहां से। सर। अच्छा ये करुणा अटैक कैसे करता है? तीन तरह से करता है साहब। पहला, जो लोग इज्जत से जी रहे होते हैं उनका अपमान करता है, और दूसरा वो अब रास्ते में। कैसे कैसे अपमान करता है? क्या सर, अपमान कहते ही सोच में पड़ गए? आपका भी अपमान किया है क्या किसी ने? साहब का अपमान कौन करेगा बे, ये मुच्छड़ राजू है। सॉरी सर। चल तो बता अपमान कैसे करता है? चोरी का इल्जाम लगा देना, तो अपने गुंडों से पिटवा देना, सर मुंडवा कर गधे पे बिठा देना, यही सब करता है साहब। उसके कहने पर सिर मुंडवा लेते हैं? अगर कोई दमदार आदमी हो तो जाल में फंसा देता साहब। इस गांव में करुणा ही ऐसा करता है या कोई और भी करता है?
बाकी सब मछली पकड़ते हैं साहब, पर ये अकेला आदमियों को पकड़ता है साहब। यानी मेरी मूंछ भी करुणा ने ही काटी थी। सर सर एक छोटा सा डाउट है। ये करुणा की बात करते करते आप अचानक से अपमान की बात पे क्यों अटक गए? इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं या तू कर रहा है बे? तुझसे जो पूछ रहा है उसका जवाब दे। ज्यादा बकवास करेगा तो यहीं पर थोड़ा तोड़ दूंगा तेरा। अच्छा ठीक है, वो कोटी की हरकत के बाद करुणा ने उसे छोड़ दिया था। सर मेल आया है। अच्छा क्या ये? सर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी ना उसकी मेल है सर। रिसेंटली हार्बर में जो शिप्स आई है उनकी लिस्ट है ये सर। बता, छोड़ दिया था? करुणा राजनीति में आ रहा ना सर, ऐसे में अगर वो कोई गड़बड़ करेगा तो नाम खराब हो जाएगा ना सर, इसलिए दूसरे गांव से किलर लोग को बुलाया सर। इधर तो बहुत लोग हैं, भागो यहां से, भागो। चलो भैया, कोटी को मारने के लिए हमने तो वहां पर किलर भेजे थे, लेकिन अपने लड़कों को यह बात पता नहीं थी इसलिए वो बच गया। अभी हमारे पास और भी जरूरी काम है, कुछ दिनों तक कोटी को मत मारना। अब भाई अब वो करुणा घायल शेर की तरह हो गया है, पता नहीं अब वो कौन सा कदम उठा ले, इसीलिए तो कुछ दिन संभल के रहियो। ए, मुझे क्या करना है पता है, मैं देख लूंगा ना, टेंशन मत ले। ए, तू क्या देख लेगा रे? रे ये कुएं का मेंढक है रे, ना तो खुद कुछ करेगा और ना ही दूसरों को करने देगा। वैसे भी वहाँ मंदिर के पास वो लोग मूर्ति लगवा रहे हैं, अब हम लोगों से कोई नहीं भिड़ेगा। वो सब चाहे जो भी हो, तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि उसे हराने से ज्यादा ना हमारा जिंदा रहना जरूरी है। मतलब ये कि सारी गलती मेरी है ये कह रही हो? ये सब तेरी वजह से हो रहा है, उसे हीरो हीरो कह के सड़क का कचरा घर में ले आई है तू। ये नहीं सुधरेगी, सारे फैसले गुस्से में लेती है। सच में अगर आज वो लोग नहीं होते ना वहां पे तो तुम मार दिए जाते। तुम्हारे साथ ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्यों ये सब झेल रहे हो? असल में मैं उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हम कहीं दूर चले जाएंगे, अब ये बोर्ड के पैसे जा रहे हैं तो जाने दो, हम कहीं और नौकरी करके गुजारा कर लेंगे। डर के फैसला लिया है या तुम सच में जाना चाहती हो? अब जो समझना है समझो, मुझे बस तुम्हारे साथ जीना है कोटी। डर के जीने से तो मरना अच्छा होता है, तुम्ही ने कहा था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगा। वैसे शहर छोड़ना है तो परिवार को साथ ले जाना होगा। दो दिन का समय दो, मैं सोच के बताता हूँ, चिंता मत करो।
परिवार की ओर से हर किसी को हृदय पूर्वक नमस्कार, धन्यवाद। क्या पागल पब्लिक है। आओ बेटा, आ जाओ। मेरा बेटा करुणा अब राजनीति में प्रवेश करने वाला है। ए चुटकी, इधर आ। हाँ आ रही हूँ भैया। बोलिए भैया। ये ले चॉकलेट, ले ले, बढ़िया है, ले ले। थैंक यू भैया। क्या तुम्हें और चॉकलेट्स चाहिए? हाँ चाहिए भैया। तुम्हारे लिए मैं स्पेशल चॉकलेट्स लाऊंगा। ए ये क्या कर रहे हो? मैं सब समझती हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? निकले यहाँ से। तेरी किस लिए जल रही है बे? तुझे मैंने जाने को बोला ना, और तू चुटकी अनजान लोगों से चॉकलेट लेने के लिए मना किया था ना। क्या हुआ बेटी, वो तो इसे चॉकलेट ही दे रहा था ना। आप नहीं जानते काका, वो सब बहुत गंदे लोग हैं। अच्छे लोग नहीं हैं? क्या हुआ बेटी? ये सब इंश्योरेंस की स्कीम में आम बात है, एजेंट का काम तो मैंने कर ही दिया है। डेथ सर्टिफिकेट के बिना इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे? वैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैनेज कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, दोबारा आया तो सिर्फ चाय ही पिलाओगी या कुछ नाश्ता भी कराओगी? और अगर तुम्हारा पति लौट आया तो? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, मेरी नौकरी तो जाएगी ना। मेरे पति अगर वापस आ गए तो मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। अरे नहीं नहीं उसमें काफी रिस्क होगा। और हमारी भी जरूरत होती है, समझा भी करो ना। जरूरत पूरी होने के बाद मेरे पति वापस आ गए तो चलेगा आपको? तुम हाँ तो कहो, मैं देख लूंगा। अकेली औरत से ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट इस देश में बनता नहीं है सर। काका क्यों री, तुझे घर में रहने के लिए कहा था ना, कहाँ गई थी? हाँ आज के बाद दहलीज लांग के गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? इसे मत डांटो सुजाता, छोटी बच्ची है, बाहर ही जाकर खेलेगी ना। नहीं नहीं काका, आजकल तो लोग बच्चियों के बड़े होने तक कभी इंतजार नहीं करते, खास करके कुछ बड़े लोग। मैं एक लड़की की माँ हूँ ना, मुझे हमेशा फिक्र लगी रहती है। वैसे ये कौन है? ये तो इंश्योरेंस एजेंट है, वो वासु ने इंश्योरेंस करवाया था ना अपना, ये कह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट के बिना पैसे दिलवा देंगे। ये अंकल कौन है? मेरे काका हैं, 14 साल जेल काट के आए हैं, मर्डर किया था इसलिए अंदर गए थे ये। आपकी जैसी भी जरूरत होगी बताना, ये पूरी कर देंगे। अरे बाप रे बाप, क्यों कोई काम है क्या? अरे अरे कोई काम नहीं है अंकल। पूरी आलू नहीं खाएंगे? हाँ नहीं नहीं सुजाता जी, पेपर्स बनते ही मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ इसने परेशान किया क्या? अब तो आदत से हो गई है काका, चाय बनाओ क्या? नहीं दारू उतर जाएगी।
तो चलिए मालवानी हार्बर के 700 बोट्स की और उन सब बोट में रखे गए सारे माल की नीलामी शुरू करते। अरे ये सब छोड़िए, मुझे तो बस इतना बताइए कि साइन क्या करना है। अरे बाबा, हर बार करुणा ही बोली लगाता है और मार्केट से ज्यादा हम लोगों से वसूल करता है, या नहीं चलेगा। क्या रे, जिंदगी से उब गया क्या? भाई के खिलाफ जा रहा है तू? उब नहीं गए हैं, हम लोगों के पास भी तो पैसे हैं, हम भी बोली लगा सकते हैं। सुनिए सर, कोटी सर भी आए नीलामी में हिस्सा लेने के लिए। जाती है, कुछ बोर्ड्स की जानकारी ना होने के कारण एक हफ्ते के बाद वापस नीलामी रखी जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा मीनाक्षी, तू ऐसे ज्यादा मत सोचा कर। ए, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? करुणा भैया रिंग मास्टर है, वो कैसे भी तुम लोगों को पकड़ के जान से मार डालेंगे। अगर सब एक हो जाएंगे ना तो रिंग मास्टर क्या कर लेगा, भागना पड़ेगा उसे। ये लो, इस औषधि को पानी में भिगा कर खा लूं क्या? रात भर पानी में भिगाने के बाद उसके अगले दिन निकल जाऊं क्या? ऐसे कुछ भी निकलने की वजह से सारे शरीर में खुजली हो गई है तुझे। अरे इस औषधि को बाद में निकाल कर फेंक कर। देखो अब जब पानी में से औषधि निकाल कर फेंक दोगे ना तो जो पानी बचेगा ना उसको पी लेना। डॉक्टर, मेरी दवा तैयार हो गई है क्या? अरे भाई इस उम्र में भला तुम उस दवाई का क्या करोगे? इस उम्र में ही उसकी जरूरत होती है। क्या क्या बात है, कोई मिल गई है क्या? बड़े जोश में दिखाई दे रहे हो। तुम उसकी चिंता मत करो, वो दवाई दो। इसको दूध में मिलाकर पी गए तो फिर तुम रात भर लगाते ही रहोगे। बाप रे, इतनी पावर है इसमें। और नहीं तो क्या, जानते हो यहाँ इसे कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हो क्या? करता हूँ कभी कभी। सुनो, इंग्लिश में इसको वायग्रा कहते हैं और यहाँ आगरा कहते हैं। वायग्रा से आगरा बना। जो भी हो लाओ दो। अरे अगर सारा साथ ले लिया तो तीनों पैर काम नहीं करेंगे। तो हाथ है ना? अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अरे चुप रहे, मुझे सब कुछ पता है। हो! भैया नमस्ते। डॉक्टर, बाबा कैसे हैं? He's out of danger, अंदर ही हैं। आपके फादर ने ज्यादा वायग्रा ले लिया, लोअर बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड है, एज ज्यादा होने की वजह से रिकवरी भी मुश्किल है, अब व्हीलचेयर ही उनका सहारा है। ये हॉस्पिटल है। अह
भैया मत मारो भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है भैया। तो कर क्या रहा था बे? तुझे बाबा के साथ रहने के लिए कहा था ना? मैं हमेशा की तरह उनके साथ ही था भैया, लेकिन मैं वायग्रा लेने के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने कहा कि देवधर ने सारा वायग्रा खरीद लिया है भैया, और मैंने देखा देवधर सुबह से घर के आसपास घूम रहा था भैया। उसे छोड़ना मत, उसका हाल देखकर जालर वालों की फट जानी चाहिए। ठीक है भैया। भाई 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 उठ, भाई उठ। क्या हुआ? तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे क्या हुआ यार? वो बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, तू जल्दी चल। दारू पी के कहीं गिर गया क्या? तू फिकर मत कर। बाप की मौत के बाद कोटी ने क्या किया? कोटी कुछ करने की सोचता इससे पहले ही मीनाक्षी ने ही उसे धोखा दे दिया। मीनाक्षी ने धोखा दिया? एक बार फिर कोई खेल चल रहा है क्या? पागल है क्या वो? क्यों किया ऐसा? करुणा कोटी को कुछ करना थी ये सोचकर उसने करुणा को ही फोन कर दिया। करुणा मैं हूँ मीनाक्षी। क्या हुआ, आज मेरी याद कैसे आ गई? अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, जाने दो ना हम लोगों को। जब मैंने तेरे हीरो के बाप को मार दिया तब तुझे अकल आई है? तुझे क्या लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अब समझे मेरी ताकत? तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन कोटी को कुछ मत करना। ओहो, कुछ भी करेगी? हाँ हाँ, जैसा कहो। हाँ तो फिर आ जा अपने उसी वाले अड्डे पे, जगह तो तुझे पता ही है ना। हाँ? ए, ये मीनाक्षी पागल है क्या? बॉल की तरह यहाँ से वहां जा रही है? कम से कम कोटी के कुछ करने तक तो रुकना चाहिए था ना। कोटी की जान बचाने के लिए तो वो चली गई सर। बचाना था तो पुलिस स्टेशन आना चाहिए था, वहां क्यों गई? समझे तुम? जनता की नजर में पुलिसमैन और पोस्टमैन एक ही है, कोई फर्क नहीं है। वो भी खाकी पहनते हैं और हम भी खाकी पहनते हैं। यहाँ एक पुलिस स्टेशन है जिसमें पुलिस रहती है, और वो हमें इंसाफ दिलाएंगे ऐसा कोई नहीं मानता। ये यकीन मैं दिलाऊंगा
अच्छा सुनो, कोटी के बाप को करुणा ने मार दिया था। हाँ सर। तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? लेकिन किसी ने भी इस बात की कंप्लेंट नहीं की सर। किसी ने कंप्लेंट नहीं की? इतने सारे केस हैं, भरे बाजार में फांसी पे टांग दिया। सर ये कह तो रहा है कि उसका मर्डर हुआ था, लेकिन इस बात की किसी ने कंप्लेंट नहीं किया सर। केस करके क्या कर लेते सर? सब कहेंगे उस मूर्ति के पास किसी ने आत्महत्या की है, उस मूर्ति के नीचे एक लाश दबी है, ये भी सबको पता है। सब कहेंगे उसने भी आत्महत्या की होगी, आप देख लेना। ये क्या है? इंसान का सुना था, उस मूर्ति की भी एक कहानी है। वो मूर्ति है या शमशान है? जो सबने सुना वो मैंने भी सुना सर, पता मुझे भी नहीं है। वैसे भी आप जानकर क्या करोगे सर? सुन, अब तक टीवी की न्यूज वालों की तरह बताया तूने, अब वो टीवी रोक और पूरी बात बता। मैं सच में नहीं जानता साहब। देख, वो मूर्ति पक्का एविडेंस बनेगी, तू जो जानता है वो मुझे बता दे। हार्बर इलाके के हमारे लड़कों ने दारू पीते हुए बताया था सर, कहा था किसी को मत बताना, अगर बात बाहर निकली तो करुणा उन सबको भी मार डालेगा सर। उस मूर्ति के नीचे लाश मिली तो अगले ही मिनट करुणा का काम खत्म। सर एक और बात है, लड़के बोल रहे थे कि उस वासु को मारकर मूर्ति के नीचे दफनाया है। ये वासु कौन है? सर सुबह जो कंप्लेन देने के लिए आई थी ना सुजाता, उसका पति है वासु, करुणा के साथ काम करता था। कृष्णा। सर। देश को आजादी मिल गई लेकिन गरीब को आजादी नहीं मिली, ऐसा कहा था ना तुमने? गरीब को आजादी दिलाने का मौका हमें मिला है, चलो चलते हैं। ओके सर। पता चला कि तेरे बाबा कहाँ गए थे? अब तो सर्टिफिकेट दे देंगे ना सर? डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने में 3 दिन लगेंगे, अगर रिजल्ट्स मैच हो गए तो आपको कॉल करेंगे। पति की लाश देखकर भी मैं नहीं रोई, यही सोच रहे ना, हमारे यहाँ कोई 2 दिन भी बाहर रहे या फिर कोई फोन ना करे तो उम्मीद मर जाती है, इसलिए कोई आंसू नहीं। अब आंखें भी कब तक रोएंगी, और भी दूसरे बहुत काम होते हैं ना साहब। आप तो बहुत बड़े अफसर हैं ना साहब, जाइए, आपको भी बहुत काम होंगे। अगली बार पुलिस स्टेशन आओ तो अपनी बच्ची को भी साथ ले आना, हिम्मत बढ़ेगी इसकी। आज हम यहाँ जालर के रामालय के पास खड़े हैं। सामने वाली वीरभद्र की मूर्ति को तोड़ा गया तो कल तक रत्नागिरी में डीएसपी रह चुके हमारे मुच्छड़ राजू सर आज ही मालवानी में ट्रांसफर हुए हैं, सब जानते हैं, लेकिन आते ही उन्होंने अपना काम अच्छे से करना शुरू कर दिया और लोगों के मन और अरे सर आगे चलो 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 सर। पिछले 1 घंटे में करुणा के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली है, ड्रग पेडलिंग, वेपन स्मगलिंग, इलीगल फिशरी कॉन्ट्रैक्ट और तो और माइनस से इलीगल काम करवाना, लेकिन 1 दिन में आपने सब कैसे पता किया सर? अभी तो बस शुरुआत हुई है, उसे अरेस्ट करने के बाद आपको बताऊंगा। सर आपने रत्नागिरी में क्या किया है सब जानते हैं, लेकिन यहाँ मालवानी में ट्रांसफर होते ही आपने इतना बड़ा एक्शन लिया, क्या आपको इस मामले की जानकारी पहले से ही थी क्या जो आपने ग्राउंड वर्क किया? ग्राउंड वर्क इज आवर फंडामेंटल राइट ऑफ डिपार्टमेंट। सर 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 1 मिनट सर, आपकी मूंछें तो काफी फेमस थी, आपकी मूंछों के काफी फैंस भी है, तो उन्हें क्यों निकाल दिया सर? सर करुणा का फोन सिग्नल मिला सर, वो अपने घर में ही है सर।
तो चलो उसके घर चलते हैं। सर 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 मुझे सुबह से पकड़ के रखा है, मेरा तो आज धंधा भी नहीं हुआ सर, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए ना सर। अबे तू कहाँ जाएगा, साहब को पुलिस स्टेशन आने दे फिर चले जाना। सर करुणा मुझे स्टेशन में देखेगा तो मार डालेगा सर, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज सर। तुम स्टेशन में ही रुको, वहाँ क्या होगा खुद देखना। सर आपको जो करना है वो करिए ना सर, मुझे तो जाने दीजिए ना प्लीज सर। सर मैं उसको पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ सर, लगता है डर के बारे में। सर प्लीज सर प्लीज जाने दीजिए ना सर। गाड़ी साइड में खड़ी करना। हेलो। हाँ माँ बोलो। तुझे कहीं एक दिन भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया तूने? अबे पकड़ा नहीं माँ, कुछ ही देर में पकड़ लूंगा। सब कुछ जैसा तूने प्लान किया था वैसा ही हो रहा है ना? सब वैसे ही चल रहा है माँ। ओके मेरा बेटा। अच्छा माँ चलो। पापा मेरी शादी करुणा नाम के पॉलिटिशियन से करना चाहते हैं। तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया क्या जो उस गुंडे से तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं? इसके पापा को पुलिस से ज्यादा गुंडे अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है आंटी, मेरे पापा को पुलिस वालों से ज्यादा पॉलिटिशियंस पावरफुल लगते हैं, इसीलिए ये पॉलिटिकल मैरिज। तेरे पापा को पुलिस वाला पसंद नहीं है, तुम अपने पापा के खिलाफ जाओगी नहीं। तो अब करना क्या है? उन्हें प्रूफ चाहिए। करुणा जैसे पॉलिटिशियन ही पुलिस वाले पावरफुल होते हैं, प्रूव इट। ये इतना आसान नहीं है। शादी में अभी टाइम लगेगा ना, इस बीच कोई प्लान बनाता हूं। पता नहीं सर, हमें बोलकर नहीं गए, दो दिन से घर भी नहीं आए, हार्बर में होंगे शायद, फोन किया वो भी नहीं लग रहा है। सर ये 3 फोन मिले हैं सर, लेकिन करुणा का अता पता नहीं है। अजय सर ये 3 फोन किसके हैं और यहां कब से हैं पता करो। ओके सर। हाँ और वो सीआई कृष्णा को यहाँ बुलाओ। या श्योर सर। एक बार कृष्णा जी का नंबर बताइए। स्टेशन के सीआई का नंबर नहीं है? वो हमारे स्टेशन के सीआई नहीं है सर। सुबह से मेरे साथ ही था ना? वो आपके साथ था तो हमने आपका ही स्टाफ समझा उन्हें। व्हाट? तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी तो उसने दिया था ना? आपसे एक दिन पहले आकर उन्होंने मुझसे बात की थी। मेरा नाम है कृष्णा, रत्नागिरी ब्रांच। कल मुच्छ और राजू सर ज्वाइन करने वाले हैं, वो पर्सनल केस के लिए पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे। सर को अगर कोई भी डाउट हो या उन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो तुम लोग वो सब देख लेना, समझे? डेफिनेटली सर। तुम्हारे ऐसा जो कौन है? इंस्पेक्टर प्रसाद सर, एक हफ्ते से वो सिक लीव पर है, मैं और एक और एसआई उनकी ड्यूटी कर रहे हैं सर। ये बात तुम पहले भी बता सकते थे ना? हमने सोचा पर्सनली ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और सुबह से भी तो यही हो रहा है ना सर, प्रेस वाले भी। फूल! कुछ तो गड़बड़ है, पहले पता करना है वो फेक सीआई कौन था। चलो। ओके सर। सर उन 3 के फोन्स में से 1 नंबर करुणा के नाम पर और बाकी 2 मीनाक्षर पोटी के नाम पर रजिस्टर्ड है सर, करुणा ने उन दोनों को जरूर किडनैप किया होगा। कृष्णा का इस सबसे क्या कनेक्शन है? मुझे 2 दिन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। 2 दिन से सीसीटीवी कैमरा खराब है सर।
रिपेयर के लिए भेजा था, अभी आया नहीं सर। उस मोती को ले आओ। उसकी इंफॉर्मेशन तो ली नहीं सर। यहां खड़े खड़े क्या उखाड़ रहे हो? हाँ, दो दिन से एक फेक सीआई अपने साथ घूम रहा है, पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज नहीं है, मोती की डिटेल्स नहीं लिखी, तो फिर तुम यहां कैसे? बोला था ना 3 दिन लगेंगे। मेरी बहन और कोटी कल बोट देखने गए थे सर, दोपहर से फोन कर रही हूँ मैं, उनका फोन नहीं लग रहा। कुछ कीजिए सर, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहाँ जाने वाला था बताया उसने? उन्हें एक नई नाव खरीदनी थी तो वही देखने गए थे वो दोनों। कोटी उसके साथ था तो मुझे चिंता नहीं थी। अब मेरे पति की खबर मीनाक्षी को बताने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है सर। डोंट वरी, उन दोनों के फोन करुणा के घर में ट्रेस हुए, मिल जाएंगे। हाँ, करुणा के घर, वहां तो खतरा है ना सर। डरिए मत, फिलहाल तो वो दोनों किडनैप हो गए हैं, ऐसा डाउट है। वो अच्छा इंसान नहीं है सर, उनसे नफरत करता है वो, पता नहीं क्या करेगा। अच्छा, ये कोटी का फ्रेंड मोती, तुम उसे जानती हो? मोती? मोती कोटी का फ्रेंड नहीं है सर, करुणा का राइट हैंड है, हमेशा उसी के साथ रहता है वो। व्हाट? वो करुणा का राइट हैंड है, मतलब करुणा ने सीधे मेरा ही स्केच बनवाया क्या? तुम्हें यकीन है ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन? कीप मी अपडेटेड ऑन ऑल द इन्फॉर्मेशन, ओके? सर, 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 क्या है बोल? आपको मारने के लिए करुणा ने बिहार से किलर हायर किया है। कांदिवली की नाकाबंदी में पकड़ा गया वो, इस वक्त पुलिस उससे इंक्वायरी कर रही है। मच्छर राजू को क्यों मारना चाहते थे? करुणा ने सुपारी दी थी सर। फिर क्या हुआ? प्लान के मुताबिक उसको कमिश्नर ऑफिस में मारना था, लेकिन वो आया नहीं। आपकी मूछें नहीं थी शायद, इसलिए वो पहचान नहीं पाया। इसीलिए उसका प्लान फेल हो गया सर। सर, सर, मेरी बहन मीनू, आखिर ये चल क्या रहा है? क्यों, क्या हुआ? करुणा ने कॉल किया था। तुम्हें कॉल किया? बोला राजू तुम्हारा बीएफ है ना, उसे बच के रहने को कहो, और बहुत गालियां भी दी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, तुम संभाल कर रहना। उसकी इतनी हिम्मत, वो नंबर जल्दी मुझे भेजो। अजय सर, तुम एक नंबर भेजा, उसे जल्दी ट्रेस करो, जल्दी जाओ। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, वो कहाँ है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप घर जाइए, अगर कोई खबर मिली तो मैं कॉल करूंगा, ठीक है? मुझे मारने की कोशिश की, फेक लोगों को भेजा, कविता को वार्निंग दी, मेरी मूंछ को भी हाथ लगाया उसने। नंबर ट्रेस हो गया सर। चलो चले। भाभी, क्या हो गया? डेविड को देखा क्या? वो होगा कहीं पे, मुझे क्या पता। भैया, डेविड को देखा क्या? नहीं देखा बहन। हेलो। हेलो। अरे कहाँ है तूने? पुलिस कह रही है कोटी और मीनू को करुणा ने किडनैप किया है, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। तुम फिक्र मत करो, चुपचाप मंदिर के पीछे आ जाओ और किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? आ जाओ। ठीक है डेविड।
डेविड, अरे डेविड, यहाँ क्या कर रहा है तू? आप यहाँ क्या कर रहे हो साहब? वहाँ स्टेशन पे आपको लोग ढूंढ रहे हैं। घबराओ मत, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ये अपने ही आदमी है, सब कुछ अच्छा है, शांत रहो। करुणा ने उन्हें किडनैप कर लिया है, मुझे चिंता खाई जा रही है, और तू कह रहा है कि सब कुछ ठीक है? अरे मीनाक्षी और कोटी किडनैप नहीं हुए हैं, करुणा ने उन्हें किडनैप नहीं किया, उन दोनों ने करुणा को किडनैप किया है। हाँ? करुणा को उन्होंने किडनैप कर लिया? करुणा को किडनैप कर लिया? क्या कर रहे हो तुम लोग, सब मारे जाओगे। अरे रुको, मैं तुमको बताता हूँ हुआ क्या। मगर उसको कैसे किडनैप कर लिया? करुणा, मैं हूँ मीनाक्षी। क्या हुआ, आज मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन कोटी को कुछ मत करना। कुछ भी करेगी? हाँ हाँ, तो फिर आ जाओ। हाँ क्या हुआ, नई जगह देखकर घबरा रही हो क्या? हाँ ये सेटअप अच्छा है ना, पत्थर पत्ते, अपना रोमांस रंग लाएगा यहाँ, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ चला। क्या हुआ तुझे, अंदर आना। ए, ए, उस करुणा को किडनैप करके इतने आराम से कैसे बैठे हो रे? अगर वो बाहर निकला तो क्या होगा हमारा? वो बाहर नहीं आएगा, क्यों डर रही हो? और आया तो मरेगा क्या? मरेगा? ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसी हरकतें करेगा तो जेल जाएगा तू। ये सब जरूरी है क्या? अब पुलिस वहाँ पे पहुँच जाएगी। ये सब कौन है रे, आखिर चल क्या रहा है? मेरा नाम अहमद है, जेल में तुम्हारे बापू और मैं अच्छे दोस्त थे। अच्छे व्यवहार के चलते तुम्हारे बापू को रिहा करने वाले थे, तो मेरी छोटी लड़कियां हैं इसलिए अपनी जगह मुझे रिलीज करवाया। तुम्हारे बापू बहुत महान इंसान थे, उस कमीने करुणा ने उन्हें मार डाला। तुम्हारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात से लेकर और करुणा के साथ हुए झगड़े की सारी बात मुझे वो फोन पर बताते थे। मीनाक्षी और तुम्हारे लिए जालर सेफ नहीं है, मेरे साथ पुणे आ जाओ। अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो करुणा को अरेस्ट करने के लिए मुच्छड़ राजू नाम का ऑफिसर आ रहा है, उनसे जाकर मिलोगे तो तुम्हें उसका फायदा होगा, क्योंकि करुणा मुच्छड़ राजू की एक गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है, इसलिए मुच्छड़ राजू ने जालर में ही अपना ट्रांसफर करवा लिया। तुम अगर मुच्छड़ राजू से बात करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। कोटी, अहमद भाई ने कहा है तो ये मत सोचना कि पुलिस करुणा को संभाल लेगी। प्लीज मैं दोबारा बोल रही हूँ, हमें कहीं और चलना चाहिए। तुम रोज जब बाहर जाते हो तो मुझे डर लगता है, मेरी बात मान लो। हाँ भाई, तुम दोनों कहीं चले जाओ, करुणा की शादी होती सब ठीक हो जाएगा। मुच्छड़ राजू और करुणा का जो भी हो, हमें क्या। ठीक है, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ करुणा जैसा कोई नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? वहां से भी भाग जाएंगे क्या? जिंदगी या मौत यहीं पर देखेंगे। मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? रत्नागिरी से आने वाले ऑफिसर मुच्छड़ राजू करुणा को देख लेंगे बोला था ना, लेकिन मुच्छड़ राजू को शहर में आते ही मारने का प्लान बना रहा है करुणा। मुझसे पहले वो उसे मारना चाहता है। ये सब कैसे जानते हो? करुणा का राइट हैंड मोती। डीसीपी मुच्छड़ राजू को मारना है, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, उसको खलास कर दे, समझा? कोटी, जो तेरे साथ हुआ मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए करुणा को सजा देनी ही होगी। पुलिस ऑफिसर को करुणा मार देगा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, ये तो और भी ज्यादा रिस्की है। इसलिए मैं एक काम करना चाहता हूँ,
तुम सब लोग मदद करोगे तो हम सब खुश रहेंगे। करुणा मुच्छड़ राजू को मारे इससे पहले मुच्छड़ राजू करुणा को मारे ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा। करुणा को मार देंगे? मुच्छड़ राजू के यहाँ आने से पहले हमें करुणा को किडनैप करना पड़ेगा। करुणा को किडनैप करेंगे तो मुच्छड़ राजू को बचा सकते हैं, लेकिन करुणा को मारेंगे कैसे? मुच्छड़ राजू का अपमान करके हम करुणा पे इल्जाम डाल देंगे। अपमान करना मतलब? मुच्छड़ राजू के मूछें निकाल देंगे। जाने के उस अफसर की मूछें तुमने निकाले थे? अगर 24 घंटे के लिए करुणा को किडनैप कर सके तो मुच्छड़ राजू क्या करेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। युद्ध मेरा खेल खूने खेला जाए तलवार की धार पे। कोई मूंछ कटवाने वाला चाहिए था। हाँ, हाँ, तो ये मूंछ कटवाने के लिए तैयार है। चलेगा ना तुम्हें? हाँ, कुछ दिन जालर से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, चलेगा भाई। राहों में भरे है कांटे मंजिले फलक तले, होता है शिकार वो जो चोट खाके उठता नहीं, रेत पर लिखी कहानी लहरों के लिए सजे, बाजुओं में बल ही पराग में बदन जला, इंतजार की गुहार गूंगे कुछ भी बोले ना। Yeah, time and time and time again, I try to spread my wings and fly again. They cut my feathers, chained my legs, I pray to God, please help me, Lord. I did my sins, I met the devil, did my time, I can't complain. He crushed my dreams, I lost my friends, the 7 chakras. Taming my powers, changing the hours, negative thoughts can stay in the past. The walk, the warrior, timid, the sane, it ain't the same, ha 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 ha. Mama taught me better, finding my purpose, climbing up the ladder, taking my chances, eating up the cheddar. Compromise my better half of the love, the money and fame now. No more tears, no more fears, I don't wanna fight, I don't wanna cry, no more BS, no more chat, sick and tired of the petty society. जो चला है स्वाभिमान की वो ना रुका, जो लड़ा है लहरों से उसे ही किनारा मिला, देवधरा भूमि या जमीन पर जो है खड़ा, सच को झूठ झूठ सच बनाए हर कोई। कोटी को कुछ मत करना। कुछ भी करेगी? हाँ, मुझे तो इसमें कोई चाल लगती है भैया, इस बार जगह बदल देते हैं। हेलो, क्या रे, रत्नागिरी से बॉयफ्रेंड आया है ना तेरा, वो सुबह से मेरे पीछे लगा हुआ है। अगर मुच्छड़ राजू ने करुणा का एनकाउंटर नहीं किया, करुणा हम सबको मार डालेगा। ए, ये क्या किया तूने? गलती कर रहा है कोटी, तू खोल दे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तड़पा तड़पा के मारूंगा तुम दोनों को, याद रखना। मैं इससे शादी करने वाला हूँ ये जानने के बाद भी तूने इसे रात को लाने के लिए कहा, तेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है तू जानता है? तेरी होने वाली बेबी मुच्छड़ राजू को जानता है ना तू? जानता ही होगा, उसी ने ये सारा प्लान तैयार करके हमें काम पे लगा दिया। ज्यादा उछलेगा तो मार दो बोला है उसने। मार दो बोला उसने? कोटी गलती कर रहा है तू। हमारे गांव में, हमारे घर में हम रहना चाहते हैं। उस दिन क्या कहा था? आखिर ये कौन होता है हमें यहाँ से जाने को कहने वाला? यही कहा था। वो है कौन? कौन हो तुम? बस पैसे वाले हो ना? ए, तुझे भी पैसे वाला बना दूंगा,
मेरी बात तो सुन, तुझे चाहिए तो अपनी कम्युनिटी में तुझे प्रेसिडेंट बना दूंगा। यहीं पर रहना और राजा की तरह जीना, मच्छर राजू के जाल में मत फंस। कोटी, अपने गांव में अपने बीच वो कौन होता है आने वाला? ए, तू मुझे मारेगा तो मच्छर राजू तुझे छोड़ेगा क्या? वो तुझे भी मार देगा। ए, मैं बच गया तो तुझे भी बचा लूंगा। कोटी, मच्छर राजू तेरा इस्तेमाल कर रहा है। रस्सी खोल, खोल दे रस्सी, प्लीज पहले से खोल दे। सुन रहे, मच्छर राजू को फोन करके बताते हैं कि वो कहाँ है। ऐसा किया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। कोटी अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेफ्ट जाना है या राइट, बताओ। ओह, फुल मैगजीन के साथ आए हो दोनों मुझे मारने के लिए? इतना आसान समझा है क्या? मुझे मारेगा, तुझे मारेगा, अब मारना, अब देखो। मुझे यहां मारने को भेजा ना उसने, अब आने को बोलना उस मच्छर राजू को। लोकेशन का पता चला गया? देखो, सिग्नल तो इसी एरिया में दिखा रहा है सर, बट एग्जैक्टली कहां है दिखाई नहीं दे रहा। करुणा, छोड़ उसे। तेरा भी गेम बजाऊंगा यहाँ, देखना। ए, चंदे। ए, ए, हेलो, हे, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, हेलो, दीदी, आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है? हेलो, मैं मीनू हूँ। पुलिस को फोन करके बोलो, हम करुणा के पुराने गोडाउन में हैं। हेलो, 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 लाओ फोन। आवाज आ रही है? हेलो, 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 देर मत करो दीदी, जल्दी फोन करो। हेलो दीदी, दीदी जल्दी मुच्छड़ राजू को फोन करो। दीदी, हेलो दीदी, हेलो दीदी, किसे कर रही है फोन? मुच्छड़ राजू को? ए, मीनाक्षी, ये तुम हो क्या? हे, रोक रोक रोक, पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो। ये ओरिजिनल है। कोटी के पास एक डमी गन है, करुणा उसे चलाएगा तो उसकी आवाज सुनकर मुच्छड़ राजू वहां पहुंच जाएगा, देखना। डम्मी बुलेट रखेगा। सर, इधर डमी गन है सर। ओरिजिनल गन रख दो। ओके सर। तुमने मुझे निकाल कर अच्छा ही किया।
उस प्रोफेशनल किलर के हाथों से मरते मरते बच गए। करुणा ने मेरी मूछें काटी थी तो किलर को पता होना चाहिए था। शिट, इसका मूछें करुणा ने नहीं काटी थी तो फिर किसने काटी होगी? ये वक्त है एक हिरनी सा जिसमें दया का नाम ना, किस्मत में जो लिखा हुआ इंसान वो बदलेगा क्या? मुझसे हो सामना तो हार तू मान ले, रो अपनी सोच पे ताले लगा ले। मिलवा दूं क्या तुझे तेरी ही मौत से, यम का तुझे खौफ है मैं हूँ रावण रे। आती है जो मौत किसी के भी दयावान वो होती कभी नहीं, पर मैं भी जिद्दी नहीं जाऊंगा। खुद को तो मैं राजा मानू सदा, परवाह फिकर मैं करता ना। मेरी नजरें जो पड़े शैतान पे उसके सारे दोष निकालूंगा। Okay, we are here to rule. As I said, this is just a game, game called life. I don't care about who you are. Take them boys, keep them girls when you go so far. Don't, come on, mess my plan. Or I'm gonna mess you up and hurt you, man. So, I just wanna let you know that now I'm here to stay. I don't want to lose it, but I am alive today. ये वक्त है एक हिरनी सा जिसमें दया का नाम ना, किस्मत में जो लिखा हुआ इंसान वो बदलेगा क्या? आग गर तू है मैं हूँ सागर, हाँ तूफान बनके मैं तो कभी भी तुझको निगल लूंगा। डर अगर तू है जीत में हूँ ना, ताकतें सारी तू लगा ले जीतूंगा तो मैं ही समझा। चींटी मुझको समझा है तो छेड़गा तो काटूंगा, शांत रहने दे मुझको वरना भिड़ के मुझसे देख ले आजा। चूकेगा ना मेरा निशाना, मेरे आगे कुछ न जमाना, खुद ही देख लेना। ये वक्त है एक हिरनी सा जिसमें दया का नाम ना, किस्मत में जो लिखा हुआ इंसान वो बदलेगा क्या?